சர்வமண்டலாகாரம் வியாப்தம் யேன சராசரம் தத்வதம் தர்ஷிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ கருணசாகர் பிரபுஜி கே பிரேம் பக்தி சம்பந்தியோ பேனோ ஓர் பாயோ, ஹமே ஸ்ரீ பிரபுஜி யோக் கே மார்க் பர் சலா ரஹே ஹே. அவர் சப் சாஸ்திர மே யோக் கி மஹிமா கா வர்ணன் கியா ஹே. ஜைசா பிச்லே சப்தாஹ் பி பதாயா தா, பகவான் கிருஷ்ண அர்ஜுன் கோ யே கஹதே ஹே, தபஸ்வி தேவ் அதிக யோகி ஜ்ஞானியோ கி அபிமத அதிக கர்மி தேவ் அதிக யோகி தஸ்மாத் யோகி பவதி. அர்ஜுன் ஜோ சப் கியா குச் லோக் கர்தே ஹே, சாஹே தபஸ்யா கர்தே ஹே, சாஹே பாட் கர்தே ஹே, சாஹே கர்மகாண்ட் கர்தே ஹே, யோக உன் சப்ஸே படா ஹே. யோக ஏக ஊஞ்சே லக்ஷ்ய கி ஓர் லே ஜாதா ஹே. மனுஷ்ய ஜீவன் மே அகர் ஹமே சுக் பிராப்த் கர்னா ஹே, உஸ்கோ சஃபல் பனானா ஹே, तो हमारे सामने अवश्य एक लक्ष्य होना चाहिए. और वो लक्ष्य जो है ऋषि ने जिस लक्ष्य की कल्पना की है या हमारे लिए शिक्षा दी है, वो है मोक्ष. मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है. सारे शास्त्र में पढ़ लें तो सब में कहा है कि मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला है. तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर हमें योग ही एक मार्ग है, क्योंकि योग द्वारा ही मनुष्य समाधि में जाता है और समाधि से मुक्ति मिलती है, और किसी मार्ग से नहीं समाधिस्थ होता मनुष्य. योग के बारे में इसमें यहां तक गीता में लिखा है कि मनुष्य ये कर्म कांड आदि कारण तो दूसरे दूर रहे, जिज्ञासु जिज्ञासु रपि योगसु, जो योग का जिज्ञासु है वो भी बहुत बड़ा है. अर्थात जो जिज्ञासु होगा वो गुरु के पास जाएगा, योग करेगा. तो सबसे पहले तो जो हमारी यात्रा शुरू होती है मोक्ष की, जिज्ञासा से शुरू होती है. हमें अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए हम आए और योग सीखें और फिर धीरे धीरे उसमें प्रगति करें. योग द्वारा बताया इसके ये योग द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि योग ही समाधि का एक रास्ता है. समाधि क्या होती है? अपनी एकाग्रता को ही समाधि कहते हैं. पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जब हम अपने प्राणों को एकाग्र कर लेते हैं और कुंडली शक्ति जागृत करते हैं तो मनुष्य समाधि में चला जाता है. और उसका विधि लाई थी कि इस प्रकार योगी लोग बड़े यत्न पूर्वक प्राण शक्ति को एकाग्र करते हैं और दशम द्वार में पहुंच जाते हैं. ये प्राण द्वारा समाधि है और ये हर एक के वश की बात नहीं है. इसके लिए बताया एकांत चाहिए और बहुत अभ्यास चाहिए. परंतु प्रभु जी चूंकि गृहस्थियों के लिए योग लाया है तो दूसरे जो मार्ग बताया वो था कि मन को एकाग्र करने का. प्राणों को एकाग्र करने से हर्ष योग द्वारा समाधि होती है, मन को एकाग्र करने से भक्ति योग द्वारा समाधि होती है. भक्ति करने से मनुष्य की मानसिक जो शक्ति है वो एकाग्र हो जाती है, समाधि से हो जाता है. और उसको हम देखते हैं आश्रम में, देखते हैं कि
प्रभु जी के प्रति जब मन एकाग्र हो जाता है तो शरीर की शुद्ध भूल जाती है, घंटे घंटे समाधि में पड़े रहते हैं भक्त। ये मानसिक शक्तियों की एकाग्रता है। तो इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। तीसरी शक्ति जो हमें मिली है वह बुद्धि की है। बुद्धि को एकाग्र करने से विस्मृति होती है, बुद्धि को युक्त करने से। अब ये कि बुद्धि को हम कैसे युक्त करें, वो भी उपाय है। प्राणों को एकाग्र करने के लिए उपाय है। और एक और ही मनुष्य होता है, एक रास्ते पकड़ना पड़ता है। जो आशुओं की समाधि लगाते हैं, जंगलों में बैठे हैं, प्राण जो भक्तियों की समाधि के लगाते हैं, वो प्रभु जी के बस एक इष्ट में निष्ठ होकर समाधि लगाते हैं। उनके समय पर दूसरा इष्ट नहीं होता, एक गुरु और एक इष्ट। और गीता के अंदर जो और राजयोग है, वास्तव में ये राजयोग का जितना ग्रंथ है वो बुद्धि के साथ ही आगे चलकर समाधि करता है, जिसमें कहा है कि विवेक ख्याति वो बुद्धि मिलती है जिससे द्वारा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तो उस पर अगर देखें कि वो हमें कैसे प्राप्त की जा सकती है और शास्त्र में कैसा कहा है, बुद्धि को एकाग्र करने का नाम है बुद्धि में युक्त होना, अर्थात बुद्धि योग। गीता में इसके ऊपर काफी एक चर्चा हुई है। बुद्धि द्वारा समाधि जब मनुष्य लगाता है तो उसका फल कहा कि उसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। सारे कर्म क्या, जो अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतरों के, वो क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए, तो आत्मा को समाधि मिलती है। अगर कर्म रहे तो अच्छा या बुरा जन्म मिलेगा। तो इसलिए कहा बुद्धि युग, तो जो बुद्धि योगी है जहाती ही वो यहीं छोड़ के चला जाता है, वे सुकृत दुष्कृत। अब साफ कह दिया कि अगर बुद्धि की समाधि में भी चले जाओगे, हठ योग की समाधि में भी यही होता है और भक्ति योग की समाधि में होता है, बुद्धि योग की समाधि में यही होता है, लेकिन हमने देखना है कि हम किस प्रकार चले। भक्ति में तो हम देखा कि भगत अपने आप ही कई वर्ष बाद चले, तो इतना प्रेम की चीज है और वो तो बड़ी आसान भी है, मुश्किल भी है। प्रभु जी के अंदर इतना प्रेम पैदा होना तो किसी बिरले का होता है। तो इसी तरह ये सारे मार्ग तो कठिन है, परंतु सरल उसके लिए हो जाता है जिसके जिसने अभ्यास किया है, पूर्व के संस्कार है या अब यत्न करता है। तो इसलिए बुद्धि युक्त होने पर मनुष्य के अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्षय हो जाते हैं और वह समाधिस्थ होकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब इसके साथ और परंतु ऐसा करना होगा कैसे, हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए बताया कि क्योंकि हमने कहा था स्वाध्याय में हमें ज्ञान मिलता है, हमें रास्ता मिलता है। स्वाध्याय की जो पुस्तक है ना, वो मान लो हमने एक बार बताया था कि वो जैसे रेलवे का टाइम टेबल होता है ना, ऐसे ये ग्रंथ है, हमें बताते हैं किस जगह कैसे पहुंचना है। वो रेल नहीं है, रेल के टाइम टेबल है। ऐसे शास्त्र भी हमारे मोक्ष के रास्ते के टाइम टेबल है। चलना तो खुद ही है ना, योग में अरूढ़ तो खुद होना है, लेकिन वो रास्ता बतलाते हैं। तो अगर हमने ये क्या तो दिया कि बुद्धि योगी समाधि को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके सारे कर्म क्षय हो जाएंगे, तो अब कैसा करना है। तो कहा गीता में केंद्र जगह प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, पहला बात है कि मन की जितनी कामनाएं है ना,
उसके तो प्रत्याग करना पड़ता है। पर जाति यदा कामान, जब कामना को इच्छा को मनुष्य त्यागता है, सर्वानुसारी मनोगुतान, मन के अंदर इच्छा पैदा होती है, उन इच्छा को त्यागना पड़ता है। ये पहला, ये एक स्टेप है। अगर इच्छाएं बनी रहेंगी तो बुद्धि युग नहीं हो सकेगी। तो काफी वो मन इच्छाओं में जुड़ गया, कहाँ जाए? तो उसका आत्मी आत्मना तिष्ठ। इच्छा होती है एक चीज मिलेगी, हमें आनंद आएगा, सुख मिलेगा, मगर तो नहीं। आत्मनि आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा में संतुष्ट रहो, सेंट्रलाइज करो अपने मन को एक अपने आत्मा के अंदर ही। इसको कहते हैं कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञा स्थुदा उचित है, वो स्थिर बुद्धि हो गई। अब एक तो उपाय ये है, साफ है, सुंदर है, स्पष्ट है, लेकिन कठिन बहुत है। तो कठिन तो है ही, पढ़ाई करने में कठिन होती है, वो कौन सी आसान होती है? पर ये भी तो अभ्यास है, अभ्यास कर सकते हैं। प्राणों की साधना तो आसान है, या मन को प्रयोग में लगाना को आसान है। तो इस तरह अगर बुद्धि को युक्त करना है तो उसके लिए कहा कि अपनी कामनाओं को त्यागो और अपनी आत्मा के अंदर संतुष्ट हो के बस। क्योंकि कहते हैं जो सुख जो आत्मा के अंदर है वो कहीं नहीं है। जैसे अपने घर में जो सुख है ना, वो अमेरिका में भी नहीं है। अरे जब मुसलमान को राज था, कुछ राम कह रहे थे, जो सुख छब्बीस दे चिवारा चुबारे और न बलख न बखारे। वो बड़े 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 कैपिटल में सुख नहीं था, जो अपने एक कुटिया में होता है। तो जो आत्मा में सुख है, आत्मसुष्ट आत्मनिष्ठ है, वो आत्मा राम जो है, वो सब सुखी है। तो इसलिए एक तो ये उपाय बताया, इस तरह करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? उसके लिए एक और भी गीता के अनुसार बताया कि अगर हमें दुख आए सुख आए तो कामनाएं भी तो दुख और सुख के लिए होती हैं। अब वो कामनाएं तो वो दुख और सुख तो आगे आएंगे, लेकिन जो अब दुख और सुख आए उसके प्रति हमारी क्या भावना होनी चाहिए? उसके दुखेषु अनुविद मना। जब दुख आए तो हमारा मन डोले नहीं, अनुविद मना। अब जो योगी होते हैं, बड़े बड़े दुख आते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें अभ्यास किया हुआ है। तब भी ऐसा अभ्यास करें कि दुखों में हमारा मन डोले नहीं। और सुखेषु विगत सुप्रिया, सुख में हमारी इच्छा न हो कि सुख आए, और सुख आए भी तो उसको हम बाइक ले ले, आराम से ले आया, ठीक है। सुख आया दुख आया एक ही, हम समान भाव में रहे। तो ये अगर ऐसा हो तो फिर हम उस अवस्था पहुंच सकते हैं कि हमें कामनाएं खत्म होंगी, और साथ ये दुख और सुख की बात कही, साथ और भी कहते हैं वीत राग भय क्रोध। राग और भय और क्रोध, ये भी हमारे रास्ते में रुकावटे हैं। वीत मैंने इनसे रहित होना, किसे? राग से। राग का दूसरा शब्द मोह भी होता है। मोह बड़ा भारी हमारी रास्ते में रुकावट है, उसको हम उससे दूर हटे। भय से डर लगता रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब क्या, यात्रा में चले हैं, पत्नी क्या हो जाएगा, भय हर वक्त लगा रहता है। उसका भी हम उसको भी जीते। और क्रोध को आम देखा है कि जरा कुछ बात को कह दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है, उसको भी जीते। जब तक इन चीजों को जीतेंगे नहीं तो फिर कहेंगे बुद्धि युक्त हो। तो ये रास्ता बतलाया कि हमें बुद्धि को युक्त करने के लिए इन बातों पर चलने की बड़ी जरूरत है। तो दुख और सुख में समान रहे और राग भय और क्रोध को वश में करने की कोशिश करें, ऐसे थोड़ी बुद्धि स्थिर हो सकती है।
और उसी प्रकार भी बताया कि हमें कई चीजें अच्छी या बुरी प्राप्त होती है, तो उसके लिए कहा कि या सर्वत्र अनविश्रिया, जिसको कोई प्रेम या स्नेह नहीं कुछ भी, तद तद प्राप्त शुभाशुभ, शुभ हो या शुभ हो, दो चीजों कभी शुभ होता है कभी अशुभ होता है, वो हर हालत में तटस्थ रहे। सर्वत्र अनविश्रिया, किसी के साथ उसका कोई लगाव नहीं, चाहे उसको शुभ आए या अशुभ आए। हम कहते हैं शुभ हो, मैं शुभ हो या अशुभ हो, मेरे लिए दोनों कोई फर्क नहीं है। तो बुद्धि के ऊपर सुन, बल्कि ये सारी चीजें जो है ये हमारे बुद्धि के ऊपर जाती है। कहते हैं टेंशन हो गई, टेंशन हो गई, तो टेंशन यही तो टेंशन है ना, जो चीजें हम गिनाई यही तो टेंशन पैदा करने वाली है। और टेंशन होगी तो बुद्धि स्थिर कैसी होगी, बीमारी तो लगती है, लेकिन यह बीमारी की बात नहीं, यहाँ तो समाधि की बात है, मोक्ष की बात है। तो हम तो मोक्ष तो दूर रहा, हम तो जिस बुद्धि द्वारा हमने मुक्ति ले ली है वो खुद रोगी हो गई, तो उसने क्या करना है। तो इसलिए उपाय बताए कि इन चीजों का अभ्यास हम करें तो बुद्धि स्थिर रहेगी, कोई शारीरिक टेंशन भी होगी और स्थिर बुद्धि होकर समाधिस्थ हो जाएगी। और वो समाधि की जो राजयोग में अंतिम अवस्थाएं बताई हैं कि वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा और उसको वो बुद्धि मिलेगी जिससे पूरा ज्ञान उसको प्राप्त होता है, इल्हाम होता है जिसको, वो बुद्धि मिलेगी। तो इस प्रकार शुभ और अशुभ आए तो उस वक्त शुभ आए तो कहते हैं ना अभिनंदती ना द्वेष्ट, शुभ आए तो नाचने लग जाए और अशुभ आए तो कुहने लग जाए कि क्यों आ गया क्यों आ गया, ये नहीं। ये भावना होती है योगी की, योगी को हर आत्म जाना पड़ता है। ये जीवन के जो दुख सुख है ये हर एक आते हैं, चाहे योगी हो या कोई हो। ये नहीं कि योगी बीमार नहीं होगा या योगी को कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, योगी को सब कुछ होगा, दूसरों को भी होगा। फर्क पता लगता है जब वो अवस्था आती है। तो एक संस्कृत में श्लोक है कि किसी ने बच्चे ने कहा, बाप ने कहा देखो ये कोयल है और ये कौवा है, यानी कैसे पता ये तो कोयल और एक जैसे है काले काले। तो वह श्लोक का समझाया है कृष्णा काका कौवा भी काला है कोयल भी काली है, कृष्णा काका कृष्णा को का बेदा पिक काक पिक काक पिक में कोयल होती है, का बेदा पिक काक कोयल और काक में कैसे पता लगेगा। काका कृष्णा पिका कृष्णा का बेदा पिक काक हो, तो बाप कहते हैं वसंत समय तात हे तात, जब वसंत आएगी ना तो काका काका पिका पिका कौवा कौवा दिखलाई देगा और कोयल कोयल दिखलाई देगी, कौवा बोलेगा होता है कोयल बोलेगा होता है। यही हालत है कि दो मनुष्य हैं, एक योगी है और दूसरा हमारे जैसा है। अब पहचान क्या है भाई, वही जब मुसीबत पड़ेगी पता लग जाएगा, टाइम पर पता लग जाएगा। कसौटी सोना और पीतल एक जैसे नजर आते हैं, जब सुनार के पास जाता है तब पता लगता है कौन सा सोना कौन पीतल है। तो योग एक दुख और सुख एक कसौटी है योगी और कुयोगी की। तो वही कहा
ना अभिनंदति ना दृष्टि, जो ना प्रसन्न होता है ना द्वेष करता है, सा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी मान माने वो स्थिर बुद्धि वाले। तो ये सारी देखिए छोटी छोटी बातें बताएं कि हम अगर राज योग द्वारा समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन बातों का अभ्यास करना होगा। अपने जैसे गीता में कहा समत्वम योग उच्यते, योग का मतलब है हर हालत में एक जैसे रहना। तो अगर आपको कोई खुशखबरी आए और बुरी खबर आए, एक खबर आती है एक ऑफिसर को प्रमोशन हो गई, एक आती है तुम सस्पेंड हो गए, उसके चेहरे पर ना सस्पेंशन के वक्त कुछ फर्क पड़ा ना प्रमोशन के वक्त फर्क पड़ा, वो योगी है। ऐसी हालत पैदा तब होती है जब हम प्रभु जी की शरण लेकर अभ्यास करने लग जाते हैं, तो नहीं तो नहीं पता लगता। अब एक ही बात है कि ये जो हमारे इंद्रिय बुद्धि है, बुद्धि को हम चाहें कि एक समान रहे तो आरंभ कैसे करें, तो उसके लिए गीता के अंदर एक श्लोक है कि थोड़ा मन को समझाना पड़ता है, क्योंकि मन जब संसार के विषयों के ऊपर भागने लगता है तो उसकी हालत और होती है, चलते 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 वो फिर बुद्धि तक घूम जाता है। ध्याय तो विषय पूछा, पहले विषयों का ध्यान नहीं करना चाहिए। विषय को खाने पीने के विषय, हर तरह के विषय हैं, सुख के विषय, तो ये उसके चिंतन करते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, उनको फिर हम प्राप्त कर ले करने के यत्न करते हैं, उनके साथ हमारा संपर्क हो जाता है। यहाँ देखो गोलगप्पे खाने के बाद दिल कर रहा है, फिर गोलगप्पे वाला आता है, फिर ले लेते हैं। ये भाव है कि ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते, कहते हैं बच्चे क्या गोलगप्पे खाने को उधर रेड़ी आई गोलगप्पे वाला भाग कर लिया, ऐसे सारे विषय को होते हैं। तो ध्यान पहले मन में इच्छा होती है, फिर वो चीज प्राप्त कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, संगात संजायते, जब उनको ले लेते हैं तो हमारे अंदर और इच्छा बढ़ती है और हम उसका खाने लग जाते हैं, भोग करते हैं। और अगर कोई छीन ले कुछ तो गुस्सा आता है, तो कामात क्रोध उपजाए थे, काम से क्रोध पैदा होता है। तो ये स्टेप बाई स्टेप है, देखो समझाया है कि पहले शुरू होता है कि हम किसी चीज का विषयों का किसी चीजों का ध्यान करते हैं, हर प्रकार की कामना है, तो समझाए काम से क्रोध पैदा होता है। और क्रोध जब आता है, क्रोधात भवति समूह, क्रोध से एक समूह हमारे अंदर एक धुआं सा पैदा होता है, जैसे आग जलने धुआं सा पैदा होता है ना, या समूह से पैदा होता है, हमारा बेसुधी से पैदा हो जाती है, अपने बस में नहीं आते। तो उस समूह की अवस्था में होता है आगे पीछे का हम भूल जाते हैं, कई बार क्रोध में आकर अपने भाई का भी भूल जाते हैं, भाई है उसे भी झगड़ने पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें याद हो जाता है जो मेरा भाई है, फिर उसका जो पहले संबंध खत्म हो जाता है, तो स्मृति खत्म हो जाती है, समूह स्मृति विभ्रमा।
अब देखो स्मृति विभ्रम होने से स्मृति भरोसा बुद्धि नाश, उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। अब बुद्धि जो किसी को हम स्थिर बुद्धि करना है, शुरू कैसे होती है कि ध्यायतो विषयान पुंसा, इस बार बार चिंतन करें, मुझे साड़ी मिले, मुझे ये घर मिले, मुझे ये मिले मिले मिले, तो ध्यान करते हैं बस, फिर वो एक लाइन चल पड़ती है, वो चीज ली उसको और कामना बड़ी ना मिली तब क्रोध आया, मिल गई उसमें रुकावट आई काम आया, और फिर इसके बाद आगे चलता चलता हमें स्मृति खत्म हो जाती है हमारी। यानी कि स्मृति वो चीज है जो के पूर्व का ज्ञान हो जाते हैं, स्मृति कहते हैं। तो पूर्व का ज्ञान ही भूल जाता है कि हमारा इसके साथ क्या संबंध था, या हमें क्या कर्तव्य था, क्या हमने उपदेश मिले, वो सब भूल जाता है। और स्मृति जो बुद्धि है ना, मेमोरी जो है, मेमोरी ही बुद्धि का बेस है। मेमोरी खत्म हो जाए, स्मृति खत्म हो जाए, तो हमारी बुद्धि खत्म हो गई, क्योंकि जो हमें पढ़ा लिखा है अगर मेमोरी आते पढ़ा लिखा खत्म हो गया, तो इसलिए स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और बुद्धि नाश हो जाए तो इसमें फिर हमें समाधि क्या प्राप्त करनी है, बल्कि उल्टा हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रनश्यति, मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो उसको जीवन खत्म हो गया, रावण की बुद्धि नष्ट हुई तो रावण खत्म हो गया। हम फिर ऐसे कर्म करने लग जाते हैं जिससे हमारा अधापतन हो जाता है। काम ने मोक्ष लेना था बुद्धि द्वारा, काम बुद्धि को नाश करके हम अपना नाश कर बैठे, तो इसलिए ये जो बुद्धि युग है, हम बुद्धि द्वारा किस समाधि में जा सकते हैं, उसे कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उसमें तो हमने अपने अंदर ये गुण पैदा करने हैं। और इतने जो महापुरुष हुए, देखो ना वो जंगलों में गए, ना उन्होंने कोई भक्ति की, लेकिन उन्होंने ये गुण पैदा किए कि दुख सुख में जैसे रहे, पता लग जाता योग्य इंसान तो हो गया, कभी ना भक्ति करता है ना अभ्यास करता है, फिर भी ये बाकी से एक अलग है। तो क्यों उसने वो राजयोगी है, वो बुद्धि योग उसने नियुक्त किया हुआ है, तो इसलिए तीन उपाय बताए हैं एक शास्त्रों के अंदर, चाहे तो जंगलों में जाकर समाधि लगाओ तब मुक्ति प्राप्त होगी, चाहे भक्ति करो एक इष्ट को लेकर जैसे तुलसी ने की, जैसे मीरा ने की, जैसे स्वामी जी ने की, और चाहे फिर अपने करैक्टर को ऊंचा बुलंद करो जितना ये है, तब भी मुक्ति मिल जाएगी। कितने रास्ते बतला दिए, पर चलना सब में कठिन है, और उसके लिए ईश्वर की कृपा और गुरु की बताया रास्ता। मनुष्य अपने यत्न से तभी काम कुछ करता है जब भगवान की कृपा साथ हो, तो इसलिए प्रभु जी के हम पास आते हैं, कहते हैं प्रभु जी आप शरण में है, लेकिन प्रभु तभी कृपा करते हैं जब यत्न करें, तो वैसे प्रभु की कृपा नहीं होती। तो हम इन चीज़ों को याद रखें, हम किसी न किसी रास्ते पर चलने का अवश्य यत्न करते रहें, हम भक्ति भी बढ़ाएं और अपने गुणों में भी बढ़ाएं, तो प्रभु जी हमें सफलता देंगे। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री सद्गुरु।